अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लाइन है बस जो हमने आज इस कार्यक्रम का नाम रखा है और ये लाइन ही काफी है। कहते हैं आतंक के भूत बातों से नहीं मानते, और शायद अब हिंदुस्तान को ऐसा ही कुछ सोचना होगा, लेकिन एक होकर सोचना होगा। शर्त सिर्फ इतनी है, क्या इसके लिए हिंदुस्तान तैयार है? क्या इसलिए हिंदुस्तान को तैयार नहीं होना चाहिए कि हम सब एक होकर सोचें? सबकी यही आवाज है, बिल्कुल होना चाहिए। यही गुजारिश मंच पर मौजूद लोगों से भी मेरी रहेगी कि आज के हमारे इस कॉन्क्लेव का मकसद ये जरूर है कि हम रास्ता खोजें, मतभेद हो लेकिन उसको हम इसी इंडिया गेट के सामने हर शहीद को अपने दिल के अंदर बसाकर रास्ता खोज पाएं, सार्थक तरीके से राजनीति ना साथ पाएं। और ये सवाल मेरा सत्ता पक्ष से भी रहेगा, विपक्ष से भी रहेगा कि वोट मत देखिए शहीदों की चिताओं में, ना आप। और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में चर्चा में शामिल होंगे। पवन खेरा जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। MS बिट्टा साहब जो कि एक एंटी टेररिस्ट फ्रंट चला रहे हैं वो हमारे साथ है। सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, एक्टिविस्ट है। अब निजेश अवस्थी जी जो कि RSS आइडियोलॉग है हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बिट्टा साहब अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पीछे हमारे इंडिया गेट है, अमर जवान ज्योति जिसे हम कहते हैं, ताकि कोई भी शहीद गुमनाम न रह जाए, ताकि देश उनकी शहादत को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखे। पीछे जो रोशनी है वो भी तिरंगे के रंग में है। आतंकवाद को खत्म करने की चुनौती है, क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को? सबसे पहले तो इमरान खान को और ISI को कहना चाहूंगा, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जिस तरीके से पात्रा जी ने, मेरे भाई साहब ने अभी चर्चा की, आज हमने पीछे शहादतों की बहुत बड़ा स्मारक है उनको देखते हुए, आज हमने पाकिस्तान को, क्योंकि ये बयान इमरान खान का अभी आया है और वो हमको सबको ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने लहराते हुए तिरंगे झंडे देखता होगा और ऑल पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को देखता होगा, आज हम बहस नहीं करेंगे, आज पाकिस्तान को बताएंगे हम एक हैं, जहां हिंदुस्तान की फोर्स एक गोली का जवाब 100 गोली में देगी और हम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां एक होकर के उन फौज के जवानों के साथ डट के खड़ी हैं अपनी मातृभूमि की सेवाओं की आजादी की रक्षा के लिए। मिट्टा साहब मैं आपके पास आना चाहती हूं। आज सेना की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर की माताओं से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपके बेटों ने अगर हथियार उठाया है तो उनसे कहिए वापस ले ले, क्योंकि हम बख्शेंगे नहीं किसी भी ऐसे शख्स को जिसने हथियार उठाया है। पंजाब से लेकर अलग अलग जगहों पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़ी सख्त नीति को अपनाना पड़ा था, वक्त आ गया है। पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ, 36,000 बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, किसी को मां को पता नहीं होता था मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली वापस आएगी या नहीं आएगी। इतना बड़ा आतंकवाद, गोली का जवाब गोली दिया, कश्मीर की तरह समस्या नहीं, हिंदुस्तान से पंजाब को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान बनने नहीं दिया, और उस वक्त पाकिस्तान ISI को हमने कहा था खालिस्तान ना बना था ना बना है ना बनेगा, अगर बनेगा गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से निकल के चले जाएगा। पर एक पुराना गाना था शहीदों का, कवि प्रदीप जी का, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से। अरे हिंदुस्तान का हम नमक खाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से खून से लथपथ ये धरती यहां जन्म लेते, और बात करते बाजवा की, बात करते इमरान खान की, ये हमारा दोस्त है वो हमारे दुश्मन है, मैं आज तक कभी किसी को नहीं कहा, कितने भी बयान आए केशव जी के सामने कईयों ने कहा होगा पाकिस्तान चले जाओ, पर मैं एक बात आज पहली बार कह रहा हूं कसम उठा करके, जो नवजोत सिंह सिद्धू, जो उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, जो हमारे एक मिनट मेरे भैया एक मिनट
मैं पुराना कांग्रेसी हूं, सबसे पुराना हूं मैं, पर प्रथम राष्ट्र सबसे पहले वंदे मातरम भारत माता की जय। मैं कहना चाहता हूं नवजोत सिंह सिद्धू, तुमको ऑफर की थी इमरान खान ने, तू यहां इलेक्शन लड़ ले, हम आज तैयार खड़े हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारे जवानों की शहादतों का मजाक उड़ाना है, उन परिवारों का मजाक उड़ाना है, तो चले जाओ वहां चुनाव लड़ लो। हिंदुस्तान में तुम्हारी अब जगह नहीं है, तुमने मुल्क के साथ गद्दारी की है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।